नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और कॉरपोरेट जगत के साथ जमशेदपुर परिसदन में बैठक की। इस बैठक में जिले के उपायुक्त, अंचल अधिकारी, JNAC, MNAC, टाटा स्टील और जुस्को के अधिकारी मौजूद थे, जिसमें मानगो से लेकर दलमा जाने तक के लिए एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। मानगो से डिमना के बीच दोनों सड़कों के मध्य में सौंदर्यीकरण के साथ वहां बसे दुकानदारों को बिना हटाए उन्हें बेहतर दुकान बनाकर देने का निर्णय लिया गया है। वहीं लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जॉगिंग पथ और बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा शहर में वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। पिछले 1.5 वर्षों में जितने भी कार्य कोरोना की वजह से पूरी नहीं की जा सकी है, उन सभी कार्यों में तेजी लाते हुए संपन्न की जाएगी। बैठक के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र का एक दौरा कर किए जाने वाले कार्य को लेकर निरीक्षण किया है। वहीं उन्होंने कोरोना के तीसरे वेव को लेकर की जा रही तैयारी के बारे में बताया कि सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सजग है और अस्पतालों में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के दूसरी लहर पर अंकुश लगाने में सफलता पाई है, वैसे ही तीसरी लहर पर भी अंकुश लगाने में सफलता पाएंगे। देखिए, आज हम लोगों ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर हमारे लोकप्रिय उपायुक्त सूरज जी के अध्यक्षता में श्री अधिकारियों को बुलाया था, कुछ कॉर्पोरेट के लोगों को भी बुलाया था। विशेष करके मानगो को हम और कैसे बढ़िया बेहतर यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करें और कुछ नए रोड सबको बनाने की बात है। एक तो जो हमारा दलमा जाने वाला रास्ता है, उस रास्ता को भी बनाना है और वहाँ जितने हमारे गरीब भाई बैठे हैं उन सभी लोगों को हम लोग किसी भी एक भी दुकानदार को हम उसके व्यवसाय से बेदखल करने नहीं जा रहे हैं, नहीं करने देंगे, बल्कि उसको हम एक स्ट्रक्चर बना कर देंगे जिसमें पानी की, बिजली की व्यवस्था होगी और उसको हम जितना आप देख रहे हैं जो सेंट्रल वर्ज है वो सेंट्रल वर्ज को भी सफाई किया जा रहा है। सफाई करके उसमें हम लोग आम लोगों को घूमने के लिए ट्रैक बनाएंगे, ओपन जिम बनाएंगे और उसको साफ सुथरा करेंगे, बैठने का बनाएंगे, कुछ गार्डनिंग करेंगे ताकि जितने लोग हैं वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ ले लें और फिर जितने ये गरीब दुकानदार बसे हुए हैं इन दुकानदारों को हम उनको बढ़िया दुकान बना के देंगे। ये हम लोग कुछ इलाके जा भी रहे हैं, डीसी साहब और हम लोग जाएंगे और जाकर जो है वो सेंट्रल वर्ज वगैरह देखेंगे और कुछ हम लोग वेंडिंग जोन बनाने पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर जो हमारा गरीब लोग है उसको हम व्यवस्थित तरीके से उसका आय जो है उसका रोजगार बेहतर हो और वो व्यवस्थित हो, जहाँ पर उसको सारी फैसिलिटियाँ मिलें उस पर हम लोग काम करने के लिए ये कर रहे हैं। साथ ही में सांची में कैसे और बड़े बेहतर पार्किंग होगा, कैसे जो है हमारा जो है टेम्पो वगैरह हैं उसको कैसे हम व्यवस्थित करेंगे, मतलब सभी बिंदुओं पर शहर का सौंदर्यीकरण के साथ साथ हमारा यातायात व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त हो और मानगो में जैसे वो पुलिस शिविर है जो MGM का है वहाँ उसको हम लोग हटाकर वहाँ पर बढ़िया एक सुंदर गेट वगैरह बनाकर वहाँ पर पूरा लाइटिंग वगैरह लगा के उसको एक सुंदर जो शहर के एंट्रेंस है उसको व्यवस्थित करने पर काम करेंगे। कितने तो जुलाई के अंत में बताया जा रहा है, सरकार आप बताइए कि थर्ड वेव जो खतरा जो है आने की संभावना बताया गया है, इसको लेकर क्या राज्य स्तर पर पूरी तैयारी व्यापक कर ली गई है? देखिए, हमने बहुत पहले से हमने बहुत बेहतर प्रबंधन किया है और ये बेहतर प्रबंधन हम खुद मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों के लोग ये कहते हैं कि झारखंड ने बहुत बेहतर काम किया है सेकेंड वेव में और हमको
ये आशंकाएं हैं कि थर्ड वेव भी आने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। उसके मद्देनजर हम लोग चाइल्ड मदर केयर सेंटर, बच्चों के पेरियाट्रिक वार्ड, इवन जो बड़े डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं या जो और बड़े डॉक्टर हैं, उनको भी हम बाल चिकित्सकों के साथ जो है, जो हमारे पेरियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके साथ टाई अप करा रहे हैं, NRHM में ट्रेनिंग करा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह पर हम लोगों ने बच्चों के लिए जो है ICU, बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, सारी चीजों की व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। इसलिए डर से तब तक डर का सामना करना चाहिए जब तक आए नहीं, जब आ जाएगा तो डट के लड़ेंगे और हम झारखंड के लोगों की क्षमता और दक्षता, हम निश्चित है कि ट्राइबल और बैकवर्ड राज्य हैं लेकिन हमारी सोच बहुत एडवांस सोच है और हम अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एडवांस प्लानिंग करते हैं और एडवांस प्लानिंग करके नए नए इनोवेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि राज्य की जनता को कहीं पर भी हम उसको जो है स्वास्थ्य में कमी नहीं होने लगे। थर्ड वेव के साथ साथ डेल्टा प्लस की बात जो है देश के कई राज्यों में देखा गया है, कई लोगों की मौत भी हुई है, उसको लेके किस तरह से अलर्ट है? देखिए, हमने 364 नमूना भेजा था जांच के लिए, उसमें 194 नमूने आए हैं डेल्टा प्लस के, 29 आए हैं कफा। डेल्टा क्या है डेल्टा प्लस के? डेल्टा क्या है नमूने? डेल्टा प्लस के 100 डेल्टा क्या है? डेल्टा प्लस के हैं? हाँ, डेल्टा के आए हैं, डेल्टा प्लस नहीं है। डेल्टा प्लस नहीं, डेल्टा के 194 नमूने आए हैं और अल्फा के 29 नमूने हैं और 29 नमूने आए हैं कफा के, इसके आए हैं। तो हम लोग इसको लेके जरूर चिंतित हैं लेकिन हम बहुत आशावादी हैं, हमको उम्मीद है कि हम लोग इस आशंका निर्मूल होगी, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।